हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम करेंगे प्री स्टोरिक पीरियड को, और प्री स्टोरिक पीरियड को बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझने वाले हैं। मूलभूत जो सिद्धांत हैं प्री स्टोरिक पीरियड के उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में कौन कौन से आपके कालखंड आते हैं उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसको हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आपका, ठीक है। एक तो आपका पुरापाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और आपका नवपाषाण काल है। इसके अलावा दोस्तों आपका चालकोलिथिक पीरियड है, लोह युग है ना, उनको भी हम देखते हैं। तो बहुत ही बेसिक्स जो चीज़ें हैं आपकी प्री हिस्टोरिक पीरियड की उनको आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। आपका ये सेशन रहेगा 25 to 30 मिनट का रहेगा, जिसमें जो जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को पढ़ना, जब हम प्री स्टोरिक पीरियड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब जो कॉन्सेप्ट हमारे आधार बनते हैं, ठीक है, हिस्ट्री का, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो जितने भी लोग अभी क्लास देख रहे हैं एक बार आप सब लोग मुझे थम्सअप करके बता दीजिए कि सर ऑडियो वीडियो क्लियर है, और आप अपनी 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 प्रेजेंट भी लगा दीजिए, मुझे पता लगे कि कौन कौन अभी क्लास में है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, नेट जेआरएफ विद शिव अपना टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें, अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस ये सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अर्ली बर्ड बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अर्ली बर्ड बैच को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अर्ली बर्ड बैच पेपर टू हिस्ट्री मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जहां पे आपको वीडियो कोर्सेज, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, हैंडबुक, टेस्ट सीरीज, पेपर वन, पेपर टू, ये सब आपके लिए इंक्लूड है। अगर आप अलग से पेपर टू भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं पेपर टू हिस्ट्री। साथ में दोस्तों अभी आपके लिए ऑफर है, ऑफर ये है कि टेस्ट सीरीज और हैंडबुक अगर आप साथ में लेते हैं तो आपको 3,499 में दोनों आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग लेंगे तो इसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ती है। तो अभी आपके लिए स्पेशल ऑफर है, तो आप सब लोग इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आपको दोनों पड़ेंगे 4,299 में, लेकिन ऑफर में आपको 3,499 भी ये मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं। पेपर थ्री की प्रिपरेशन आपको कंप्लीट करवाई जा रही है, साथ में टेस्ट सीरीज है जो वीडियो कोर्सेज के साथ में आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, तो इस टेस्ट सीरीज को भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, तैयार हैं सब लोग? तो देखो जी, हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्री स्टोरिक पीरियड की, ठीक है, प्री स्टोरिक पीरियड की। और प्री स्टोरिक पीरियड की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो इसको बोलते हैं हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल। इसको क्या बोलते हैं हम, प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं गाइस। अब ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है दोस्तों, प्री स्टोरिक आपका जो पीरियड है, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल है ना, इसको हम तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड करते हैं, या मोटा मोटा देखें तो इसको पांच पार्ट में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, फाइव पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, पांच पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की मैं बात करूं तो ये किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक हम इसको डिवाइड करते हैं, तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं तो जनरली दोस्तों हम बात करते हैं इसकी कि आपका 2.5 BC से लेकर, ठीक है, आपका लगभग 3,000 से 2,500 वर्ष ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम प्री स्टोरिक पीरियड में काउंट करते हैं। कई कई बुक में इसको तीन भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे कि यहां पे आपको ये जो प्री स्टोरिक पीरियड है, प्राक ऐतिहासिक काल है, इसको हम पांच कालखंड में डिवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से पांच कालखंड हैं? एक तो देखो हम इसको पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक, ठीक है, एक आपका हो जाएगा दोस्तों, दूसरा है आपका मीजोलिथिक, ठीक है, तीसरा है आपका नियोलिथिक, और चौथा है आपका चालकोलिथिक, जिसको हम ताम्र पाषाण बोलते हैं, चालकोलिथिक पीरियड। और दोस्तों पांचवा जो है आपका वो है आयरन एज, लोह युग, आयरन एज, ठीक है।
देखिए, यहां पे हम बात करें पैलियोलिथिक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका पाषाण काल, मीजोलिथिक को आपको इसको पूरा पाषाण काल बोलते हैं दोस्तों, मीजोलिथिक को मध्य पाषाण काल हम बोलते हैं, और इसको हम नव पाषाण बोलते हैं, और इसको हम ताम्र पाषाण बोलते हैं, और ये आपका लोह युग। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे प्रीहिस्टोरिक पीरियड को तो लगभग मोटा मोटा आप देखें 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके और लगभग 3000 BC तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम प्रीहिस्टोरिक पीरियड में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर कि जब हम प्रीहिस्टोरिक पीरियड को पढ़ते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो आधुनिक मानव है उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, ये पिक आपने बहुत सारे म्यूजियम्स में देखी होगी, आपने स्कूल टाइम पे भी देखी होगी कि पहले मानव ऐसा था, फिर ऐसा बना, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ग्रेजुअली मानव है वो आपका डेवलप होता गया। तो आधुनिक मानव का जो कार्मिक विकास है वो किस तरह से हुआ था, तो प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस, इसको देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो कार्मिक विकास है दोस्तों आधुनिक मानव का वो कैसे हुआ था, इसको एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। तो यहां पे देखो सबसे पहला जो मानव आता है वो होमोनिडम आता है दोस्तों। ठीक है, होमोनिडम, और ये होमोनिडम है दोस्तों, ये ऐसा होता था, ये सीधा नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ये वाला है होमोनिडम, सबसे पहला मानव ये था होमोनिडम, और ये होमोनिडम कब था दोस्तों, ये प्लेस्टोसीन युग में था, हिमकाल में था दोस्तों, और इसका जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था, अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इसका माना जाता है दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और काल कौन सा था दोस्तों, काल था इसका आइसिस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिमकाल। तो हिमकाल में जो मानव था वो होमोनिडम था, और जिसको हम रामा पिथेकस भी बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, रामा पिथेकस भी बोलते हैं। तो जो ऐसे हाफ अपराइट मुद्रा में चलते हैं, आपके अर्ध उत्थान मुद्रा में जो चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रामापिथेकस बोलते हैं गाइस। तो पहला जो मानव था वो आपका अर्ध उत्थान मुद्रा में चलता था, हिमकाल में मिला है, और कहां पे मिला है दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको मिलता है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं जो प्रथम वानव, वानर जो मानव आया था वो जो सीधा चलने लगा था, इसको हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते थे गाइस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते थे, ये पहला मानव था जो सीधा चलने लगा था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है गाइस। उसके बाद में आपका जो तीसरा आता है वो होमो हैबिलस आता है दोस्तों। ये जो होमो हैबिलस जो मानव था दोस्तों, ये बेसिकली क्राफ्ट्समैन था, यानी कारीगर मानव था। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये पहला मानव था जिसने जो स्टोन होते हैं, स्टोन को एज अ टूल यूज किया। एज अ टूल के रूप में यूज किया, पत्थर को औजार के रूप में जो यूज करने वाला था वो होमो हैबिलस था दोस्तों। ठीक है, और इसके अवशेष आपको कहां से मिलते हैं, इसके अवशेष भी हमें दक्षिणी अफ्रीका के में ही मिलते हैं दोस्तों, होमो हैबिलस के। उसके बाद में जो मानव आता है दोस्तों, जो आपका सीधा खड़ा होके चलने वाला जो मनुष्य है उसको हम होमो इरेक्टस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो होमो इरेक्टस जो है वो सीधा खड़ा वानर मानव कहा गया है दोस्तों। ठीक है, और ये जो होमो इरेक्टस है इसने ही दोस्तों एक तो हस्ट कुठार, यानी कि जो हैंडेक्स है, हैंडेक्स का आविष्कार किया, और इसने ही दोस्तों फायर का आविष्कार किया। ठीक है, और यहां से आप एक चीज देखते हैं कि इसका जो अवशेष मिला है हमें वो हमें नर्मदा घाटी से मिला है, हथनोरा से, मानव कपाल के साक्ष्य, जो कि अरुण सोनकिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी बेसिकली। ठीक है, तो ये होमो इरेक्टस नेक्स्ट आपका मिलता है।
उसके बाद में आप देखेंगे तो होमोसेपियन जो आधुनिक मानव है दोस्तों, उसको हम होमोसेपियन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। होमोसेपियन नियद्रटल, अब ये नियद्रटल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जर्मनी के नियद्रटल घाटी में मिला था, इसलिए इसका नाम होमोसेपियन नियद्रटल मिला दोस्तों। तो मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम जो मानव था वो यही था आपका, ठीक है। और ये मिला कहाँ था, जर्मनी के नियद्रटल जो घाटी है वहां से आपको मिलता है। उसके बाद में आपका होमोसेपियन जो आधुनिक मानव है दोस्तों, ठीक है, इसकी तीन प्रजातियां होती हैं आपकी, एक तो काकेकस, एक मंगोलोइड और एक निग्रोइड, ठीक है। तो ये तीन प्रजातियां हैं जो मानव, आधुनिक मानव है दोस्तों, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना है। तो ये आपका मानव का क्या था, कार्मिक विकास हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये मानव का क्या है, आपका कार्मिक विकास है, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। होमोनिडम, उसके बाद में ऑस्ट्रो ऑस्ट्रोलोपिथेकस, ठीक है, उसके बाद में होमो हैबिलस, उसके बाद में होमो इरेक्टस आता है आपका, फिर आपका होमोसेपियन नियद्रटल आता है, उसके बाद में आपका होमोसेपियन जो आधुनिक मानव है वो आता है दोस्तों। इसकी आपकी तीन प्रजातियां हैं, एक काकेकस, मंगोलोइड और निग्रोइड, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब दोस्तों हम बात करें अगर प्राग ऐतिहासिक काल का काल विभाजन की, डिवीजन ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड को, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका धातु युग है यानी कि आपका मेटल एज है, और एक है दोस्तों आपका स्टोन एज, ठीक है। तो एक तो पाषाण युग है आपका, एक आपका धातु युग है। तो पहले पाषाण युग आएगा फिर आपका धातु युग आएगा। अब पाषाण युग की जब हम बात करते हैं दोस्तों, स्टोन एज की जब हम बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पाषाण युग, ठीक है। पाषाण युग को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है, डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, तीन भागों में इसको डिवाइड करते हैं पाषाण युग को। पहला है दोस्तों आपका पूरा पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिकिस। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं मीजोलिथिकिस। और तीसरा है दोस्तों आपका नवपाषाण काल, जिसको बोलते हैं नियोलिथिकिस, ठीक है। अभी जो पैलियोलिथिकिस है दोस्तों, इसको हम प्राचीन पत्थर युग बोलते हैं, मध्य पाषाण को मध्य पत्थर युग बोलते हैं, और नवपाषाण को हम नवीन पत्थर युग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया पाषाण युग, ठीक है, पाषाण युग। तो पाषाण युग के तीन डिवीजन किए हैं हमने, ठीक है, कौन कौन से किए जल्दी से बता दो। एक तो पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक जिसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण। एक आपका मध्य पाषाण हो गया, एक आपका नव पाषाण हो गया। मेटल एज की दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसको हम एक तो देखो कोपर स्टोन एज, एक दूसरी है आपकी ब्रोंज एज आती है दोस्तों, और तीसरी जो आपका इसका डिवीजन होगा वो होगा आयरन एज यानी कि लोह युग। तो इसके तीन डिवीजन आपके धातु युग के होंगे। अगर हम बात करें पाषाण युग को, तो पाषाण युग को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण और आपका नवपाषाण, ठीक है। तीन पार्ट्स में इसका डिवीजन कर लेंगे हम। धातु युग को कोपर स्टोन एज, ठीक है, ठीक है, ब्रोंज एज और आपका आयरन एज, ये तीन पार्ट्स में इसका डिवीजन हम करते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करें पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल जो है, जो आपका प्राचीन पत्थर युग है दोस्तों, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, प्रथम खोजकर्ता कौन है इसके, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट है जो इसके प्रथम खोजकर्ता है। और यहाँ पे जो मानव है दोस्तों वो आखेटक उप संग्राहक था, मतलब कि शिकार करता था और फूड को गैदर करता था, मतलब फूड उत्पादक नहीं था दोस्तों, ना पशुपालन करता था ना फूड उत्पादक था, यहां पे सिंपली आखेटक व संग्राहक, ठीक है, ये था मानव। आवास की हम बात करें तो दोस्तों शैल आश्रय था यहाँ पे, ठीक है, यानी कि उसका जो आवास था वो शैल आश्रय अधिवास था, यानी कि वो कहाँ पे रहता था, केव्स में ही रहता था दोस्तों, ठीक है, उसका घर क्या था, गुफा ही थी उसका घर। फिर जब हम मध्य पाषाण काल की ओर जाते हैं दोस्तों,
तो मध्य पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल के जो प्रथम खोजकर्ता माने जाते हैं वो जोन इवांस माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? जोन इवांस माने जाते हैं। और यहाँ पे जो मानव था वो आखेटक तो था ही, लेकिन यहाँ पर संग्राहक से वो पशुपालक बन जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि हंटर और गैदरर तो था ही, लेकिन यहाँ पे पशुओं को पालने लगता है जब हम लोअर मेजोलिथिक पीरियड में जाते हैं। और आवास कहाँ पे था? नदी के तट पर उसका अधिआवास हो गया था। यहां पर तो केस में रहता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते वो नदी पर रहने लग गया, नदी के तट पर रहने लग गया था। नवपाषाण काल में जब हम जाएंगे तो इसकी प्रथम खोज करता है डॉक्टर प्राइमरोस। और यहां पर हम देखते हैं, एक तो देखो कृषि प्लस पहिया, इन दो की खोज है जो यहां पे हो जाती है आपकी। ठीक है जी, तो यहां पे कृषि और पहिए की खोज हो जाएगी। और यहां पे जो मानव था दोस्तों वो स्थायी निवास यानी परमानेंट हाउस है वो उसका बनना यहां पे स्टार्ट हो गया था। तो ये एक चेंज है जो आपको यहां से देखने को मिलता है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो इतिहास को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो इतिहास की एक डेफिनेशन ये भी दी जाती है कि चेंज इन कॉन्टिन्यूटी। इतिहास जो है दोस्तों यहाँ पे लगातार बदलाव है जो आपको देखने को मिलेंगे। पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पुरापाषाण से मध्य पाषाण में आएंगे। देखो पुरापाषाण में मानव सिर्फ और सिर्फ आखेटक और संग्राहक यानी कि फूड हंटर और फूड गैदरिंग। मध्य पाषाण में आओगे तो यहाँ पे आपको चेंज क्या मिलेगा? आखेटक तो है लेकिन पशुपालक बन गया है। नवपाषाण काल में आओगे यहाँ पे आखेटक और पशुपालक प्लस कृषि करने लग गया है और प्लस पहिए की यहाँ पे खोज हो गई है। घरों में भी यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। शैल आश्रय यानी केव्स में रह रहे हैं, यहाँ पे आएंगे तो नदी के तट पर अपना घर बनाने लग गया। और नवपाषाण में आएंगे तो यहाँ पे गर्त आवास और स्थायी निवास ये आपका बनाने लग गया। तो ये बदलाव है जो आपको स्टोन एज में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमने यहां पे बात की थी दोस्तों कि हम प्रीहिस्टोरिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो आओगे आपका पाषाण युग, और दूसरा कौन सा है? आपका धातु युग। पहले पाषाण युग आएगा, देन आपका धातु युग आएगा। अब धातु युग को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो कॉपर स्टोन एज, ठीक है, एक आपका ब्रोंज एज, एक आपका आयरन एज। अब यहां पे आप देखेंगे मेटल एज, तो मेटल एज को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया था अभी किया था। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे तो धातु युग को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों। पहला है आपका ताम्रकालीन युग। ठीक है, ताम्रकालीन युग इसलिए बोलते हैं, इसको तांबा प्लस पत्थर, इसलिए इसको ताम्रकालीन युग बोलते हैं, कॉपर स्टोन एज के नाम से जानते हैं इसको, कॉपर स्टोन एज। ठीक है, कॉपर स्टोन एज इसलिए बोलते हैं दोस्तों, एक तो कॉपर का यूज होने लग गया था, प्लस यहाँ पे जो हाउसेस हैं दोस्तों टेम्परेरी और परमानेंट दोनों ही मिलते हैं, कच्चे और पक्के दोनों आवास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आपका दोस्तों आपका आएगा ब्रोंज एज। अब ब्रोंज एज का मतलब है दोस्तों आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपका बेसिकली प्रोटो स्ट्री में भी हम काउंट करते हैं इसको, प्रोटो स्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, प्रोटो स्टोरिक पीरियड को भी। ठीक है, एक आपका है यहां पे जो प्रोटो स्टोरिक पीरियड की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो यहां पे हम ब्रोंज को यूज करते हैं, इसलिए इसको ब्रोंज एज बोलते हैं दोस्तों। ब्रोंज प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन को बनाएंगे तो आपका ब्रोंज बनता है। कॉपर प्लस टिन को जब बनाते हैं तो ये इसका एलोय है दोस्तों, तो ब्रोंज आपका बनेगा। और ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और यहाँ पे जो आपको घर मिलेंगे वो फिक्स सेटलमेंट है, वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर कांस्य युग के बाद में आपका आता है दोस्तों लोहा युग। और लोहा युग का प्रयोग, लोहा युग हम वैदिक काल को ही बोलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपको पक्के आवास हैं वो देखने को मिल गए थे। अब मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बता देता हूं। जब हम बात करते हैं दोस्तों इतिहास के अध्ययन की तो उसके तीन पार्ट हैं आपके। ठीक है, ठीक है, हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो एक तो है आपका प्री स्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्री स्टोरिक पीरियड, एक है दोस्तों प्रोटो स्टोरिक पीरियड। प्रोटो स्टोरिक पीरियड, एक आपका स्टोरिक, स्ट्री बोलते हैं जिसको, इतिहास। ये आपका है प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों।
इसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं आग ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं इतिहास। तो जब हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, तो यहां पे जो इतिहास का अध्ययन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनके आधार पर ही होता है दोस्तों, ठीक है। यहां पे हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिलते हैं प्लस लिटरेरी सोर्सेज भी मिलते हैं, लेकिन लिटरेरी सोर्सेज हैं वो पढ़ने लाइक नहीं, उनको पढ़ नहीं सकते, नोट रीडेबल है आपका। यहां पे क्या है, आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं यानी पुरातात्विक सोर्सेज भी हैं प्लस आपके लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, यहां पे आप देखेंगे तो ये आपका इतिहास बोलते हैं। ऐसा पीरियड जहां पे हम सिर्फ सिर्फ पुरातात्विक स्रोत की हेल्प से इतिहास का अध्ययन करते हैं उसको प्रीस्टोरिक पीरियड बोलेंगे। ऐसा काल जहां पे हम आर्कियोलॉजिकल प्लस लिटरेरी सोर्सेज दोनों हैं लेकिन लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोत को पढ़ नहीं सकते, उसको प्रोटोस्टोरिक, जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी जो स्क्रिप्ट है बोस्टोफ्रोडोन स्क्रिप्ट, सर्पिलाकार लिपि, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, अपठनीय है, ठीक है, अपठनीय है, इसलिए इसको हम प्रोटोस्टोरिक पीरियड में जाते हैं। एक आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपके आर्कियोलॉजिकल और प्लस आपके साहित्यिक स्रोत दोनों मिलते हैं दोस्तों, तो इसको हम ऐसे काल को क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं दोस्तों, हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने मेटल एज की बात कर ली, ठीक है। अब दोस्तों पाषाण युग की जब हम बात करते हैं तो पाषाण युग का मतलब है स्टोन एज, तो स्टोन एज है दोस्तों, इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं आपके, एक तो है आपका लोअर पैलियोलिथिक केस, ठीक है, एक आपका मिडिल पैलियोलिथिक केस, एक आपका है अपर पैलियोलिथिक केस यानी उच्च पुरापाषाण काल। अब जब हम पैलियोलिथिक केस की बात करते हैं दोस्तों, तो पैलियोलिथिक जो शब्द है दोस्तों वो एक ग्रीक वर्ड है दोस्तों, ये ग्रीक भाषा से आपका आया है ना, जिसमें दोस्तों पैलियोस का मत अर्थ है आपका प्राचीन और पाषाण का मतलब है पैलीस का मतलब है प्राचीन और लिथियस का मतलब है आपका पाषाण, यानी आपका प्राचीन पत्थर युग, इसको क्या बोलते हैं, प्राचीन पत्थर युग है ना, एंशियंट स्टोन एज, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, लिथिक का मतलब क्या होता है आपका, पत्थर होता है दोस्तों, ठीक है। तो एंशियंट स्टोन एज आपका क्या है, पुरापाषाण काल। इसमें जो मानव था, जैसा कि हमने पढ़ा, मानव जो होता है दोस्तों आखेटक होता है और खाद्य संग्राहक होता है दोस्तों। यहां पे हम देखेंगे तो पुरापाषाण काल में आपको मनुष्य के शरीर के अवशेष कहीं से भी आपको नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनका कोई स्थायी आवास नहीं था। यहां पर जो मनुष्य होता है वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होता है दोस्तों, वो जीने के लिए क्या करता है, शिकार करता है और कंदमूल जो पेड़ पत्ते हैं उनको ही खाता है बेसिकली। यहां पर दोस्तों अग्नि का आविष्कार तो हो चुका था लेकिन इस काल में वो उसका प्रयोग नहीं जानता था, वो उसका प्रयोग नहीं जानता था दोस्तों। तो यहां पे आप देखेंगे जो पैलियोलिथिक जो एज है दोस्तों, पुरा पाषाण काल जो है आपका, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है, जिसको पुरा पाषाण काल बोलते हैं, एक मिडिल पैलियोलिथिक एज, एक आपका अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अब यहां पे जो पैलियोलिथिक एज है दोस्तों, इसमें एक क्रांतिकारी जो घटना होती है वो यही होती है दोस्तों कि पैलियोलिथिक एज में हथियारों का आविष्कार हो जाता है यहां पे, हथियारों का आविष्कार। हर काल में कोई ना कोई आपकी घटना होगी जिसको हम क्रांतिकारी घटना के रूप में देखेंगे। जैसे आप पैलियोलिथिक में देखेंगे तो यहां पे हथियार, मेजोलिथिक में देखेंगे तो पशुपालन, और नियोलिथिक में देखेंगे तो यहाँ पे कृषि हो गई थी। तो हर एक एज में आपका कुछ ना कुछ क्रांतिकारी इवेंट है जो देखने को मिलेगा। अब दोस्तों पैलियोलिथिक पीपल्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये नेग्रिटो जाति के थे आपकी, कौन सी जाति के थे, नेग्रिटो जाति के थे दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों रोबस ब्रूस फुट है, उसने 1863 में मद्रास के पास में पोलावर नाम की एक जगह थी जहां पे पूरा पाषाणकालीन उपकरण हैंडेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, हस्त कुठार, उसकी खोज की थी।
किसने? रोबस ब्रूस फोर्ट ने दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक दल आता है यहाँ पे डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में, ठीक है। वो शिवालिक की पहाड़ियों में जो पोतवार प्लेट्यू है वहां पर पाषाणकालीन संस्कृति के जो अवशेष हैं उनको खोजते हैं वो, ठीक है। तो यहां पे हम जो निष्कर्ष निकालते हैं पूरा पाषाणकालीन लोगों का, तो पूरी तरह से आखेट, ठीक है, पर निर्भर थे, यानी कि शिकार पर निर्भर थे पूरा का पूरा, ठीक है। अग्नि है उसका प्रयोग नहीं जानते थे वो, ठीक है, और कोई परमानेंट हाउस नहीं था उनका, नो परमानेंट हाउस, ठीक है। यहां पे जो मानव था वो सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं था, उपभोक्ता था, सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता, ये चीज आपको याद रखनी। अब जब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एरा को देख लिया, इसमें हम तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक को देखेंगे, फिर मिडिल को देखेंगे, फिर अपर को देखते हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक की मैं बात करता हूं दोस्तों, निम्न पुरापाषाण की। तो निम्न पुरापाषाण काल है दोस्तों, इस टाइम पे जो मानव था वो क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था, है ना, यानी जो पत्थर उसने यूज लिया वो क्वार्टजाइट पत्थर है, उसका प्रयोग किया। और इस काल को भी हम उपकरण के आधार पर दो कालखंडों में विभाजित करते हैं, एक तो चोपर चोपिंग पेबुल संस्कृति, एक हैंडेक्स संस्कृति। चोपर चोपिंग जो संस्कृति है वो सबसे पहले इसके अवशेष हमें सोहन घाटी से मिलते हैं, सोहन घाटी अभी आपका पाकिस्तान में है, ठीक है, ठीक है, और इसी को हम सोहन संस्कृति भी बोलते हैं। उसके बाद में एक हैंडेक्स संस्कृति आती है, ठीक है, और इसके उपकरण है जो मद्रास के बामदुराई और अतिरापक्कम से हमें मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको हम मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आपका एक तो चोपर चोपिंग पेबल कल्चर हो गया, एक हैंडेक्स कल्चर हो गया दोस्तों, इसको एचुलियन कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका मध्य पुरापाषाण काल होता है दोस्तों, यहां पे एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर यहां पे जस्पर और चट चट जो है उसका प्रयोग होने लगा दोस्तों। यहां पे आप देखेंगे तो इसको हम फलक संस्कृति भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फलक संस्कृति के नाम से भी इसको जानते हैं दोस्तों। और ये संज्ञा किसने दी? एच डी साकलिया ने दी थी। ये डेफिनेशन किसने दी थी? एच डी साकलिया के द्वारा दी गई थी। तो फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था दोस्तों, तो इसको फलक संस्कृति भी बोलते हैं मध्य पाषाण युग को। और ये बोला किसने? एच डी साकलिया के द्वारा ये बोला गया था। उसके बाद में आपका आता है उच्च पुरापाषाण काल, और उच्च पुरापाषाण काल के जो आपको टूल्स मिलेंगे वो होते थे ब्लेड्स, ठीक है। और यहां पे दो चीजें आपको अलग देखने को मिलेंगी, एक तो देखो जो टूल्स होते थे वो चमकदार होने लगे, और यहां पे जो आधुनिक मानव है होमो सेपियन उसका उद्भव हो गया था, वो उसका उदय हो गया था यहां पे, क्योंकि यहां पे अब जो टेम्परेचर है दोस्तों वो आपका धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, और यहां पे रहने लोगे कंडीशन है वो मनने लगी, क्योंकि जब हम निम्न पाषाण काल में देखते हैं तो वो थी आइसेस। अब आइसेस से हमारे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगे, जिससे यहाँ पर क्या होने लगा, रहने योग्य कंडीशन बनने लगी, और मानव जो आधुनिक मानव है उसका सबसे पहले उदय इसी काल में होता है, उच्च पुरापाषाण काल। अब हम बात करते हैं कि पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। प्रमुख स्थलों की मैं बात करूं दोस्तों तो कौन कौन से हैं आपके, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, देखो होमो इरेक्टस उसको बोलेंगे जो सीधा खड़ा होकर चल रहा है, और होमो सेपियन उसको बोलेंगे जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो, मॉडर्न मैन। तो एक तो होमो इरेक्टस है, एक होमो सेपियन है। होमो इरेक्टस उसको बोलेंगे ऐसा मानव जो सीधा खड़ा होकर चलता है, होमो सेपियन उसको बोलेंगे जो मानव थोड़ा सा सोचता है, ठीक है, थिंकिंग वाला, ठीक है। अब जब पाषाण युग का हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, प्री स्टोरिक पीरियड को हम देखते हैं दोस्तों, और प्री स्टोरिक पीरियड में जब हम पैलियोलिथिक पीरियड को देखते हैं, तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक निम्न पुरापाषाण काल,
एक आपका मध्य पुरा पाषाण काल, एक आपका उच्च पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृति बोलते हैं और मध्य पुरा पाषाण काल को शल्क संस्कृति बोलते हैं और उच्च पुरा पाषाण काल को शल्क और फलक संस्कृति बोलते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल के जो स्थल है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? एक तो देखो सोहन नदी घाटी से, एक बेलन घाटी मिर्जापुर से। मध्य पुरा पाषाण के एक तो सोन घाटी, एक बेलन घाटी, एक नर्मदा घाटी, एक तुंगभद्रा घाटी, यहां से इसका अवशेष मिले हैं। और उच्च पुरा पाषाण काल के आपको कहां से मिले हैं? बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यहां से ये मेन मेन साइट्स हैं जो आपकी मिलती हैं। अब ये देखते हैं, ये मैप आप देखेंगे, ये पूरा पाषाण कालीन क्या है, आपके स्थल हैं। पैलियो लिथिक आपकी क्या है, साइट्स हैं दोस्तों। तो इस मैप का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि कहां कहां पर आपको पैलियोलिथिक साइट्स हैं जो भारत में मिलती हैं दोस्तों। अब यहां पे एक टेबल है, इस टेबल को जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखो कहां कहां से मिली है, आपका पहलगाम है कश्मीर, ठीक है, ये स्थल का नाम है, ये राज्य है, और यहां से क्या आपको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्राप्त साक्ष्य, ठीक है, प्राप्त साक्ष्य। तो यहां पे आप पहलगाम कश्मीर से आपको क्या मिला है, हाथ की कुल्हाड़ी मिली है ना। पोतवार प्लेट्यू जो पंजाब पाकिस्तान में, यहां से हट कुठार वो काटने के औजार मिले हैं आपको। बनोरा मध्य प्रदेश में है आपको, यहां से मानव की जो खोपड़ी है, हथनोरा है ये दोस्तों, हथनोरा, हथनोरा से आपको मानव जीवाश्म खोपड़ी मिली है जो कि अरुण सोनकिया के द्वारा खोजा गया था। एक भीमबेटका आपका भोपाल में है, यहाँ पे सबसे पुराने शैलाश्रय निवास मिले हैं, है ना। फिर आपका मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, आदमगढ़ से आपको क्या मिला है, शिल्प उपकरण मिले हैं। फिर आपको लोहदन्ना वाला है आपका उत्तर प्रदेश में, यहाँ से प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। फिर आपका पोलावरम है मद्रास में, यहाँ से पहला हैंडेक्स मिला था आपको, ठीक है। फिर अतीरापक्कम है मद्रास में ही, यहाँ से हैंडेक्स क्लीवर फलक उपकरण मिले हैं। फिर आपका गुंडियाम है मद्रास में, यहाँ से आपको फलक और क्लीवर उपकरण मिले हैं। फिर नेवासा और चिरकी है महाराष्ट्र में, यहाँ से आपको मध्य पुरा पाषाणिक युगीन उच्च कोटि के उपकरण मिले हैं। तो ये आपकी क्या है, मेन मेन पैलियोलिथिक साइट्स है जो आपको याद रखने। इसके अलावा भी पैलियोलिथिक साइट्स हैं, उनको हम आगे वाली क्लास में हम देखेंगे गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य पाषाण आएगा, फिर आपका मध्य पाषाण की साइट्स देखेंगे, फिर आपका नवपाषाण काल आएगा, फिर नवपाषाण की हम साइट्स देखेंगे पूरी, मेजर साइट्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड। तो ऐसे करके हम इस पीरियड, इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे दोस्तों पार्ट सेकेंड में, पार्ट सेकेंड आपका कंटिन्यू रहेगा, तो पार्ट सेकेंड में हम इसको देखने वाले हैं गाइस, ठीक है। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आप अर्ली बर्ड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपका नया बैच है पेड पे स्टार्ट हो चुका है, पेपर टू हिस्ट्री का, जिसको आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। अभी आपके पास में ऑफर है टेस्ट सीरीज प्लस हैंडबुक, आपको बहुत सस्ते दर पे मिल रहा है, 3,499 रुपये में, ठीक है। इसकी प्राइस थी 4,299, लेकिन अभी आपके लिए डिस्काउंट चल रहा है इसलिए 3,499 में मिल रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको कंटेंट वाली नोटिफिकेशन क्लासेस, पेपर वन पेपर टू सारा चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही है, बाय बाय एंड टेक केयर।